नमस्कार, मैं आरती बघेल। स्वागत जिंदगी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खबरों से। लगातार 16 दिनों से पेट्रोल व डीजल के दामों में हो रही अनियंत्रित वृद्धि के विरुद्ध आज स्थानीय बस स्टैंड बरेली से SDM कार्यालय तक सायकाल व पद यात्रा के माध्यम से क्षेत्र के यशस्वी विधायक श्री देवेंद्र सिंह जी पटेल एवं कांग्रेसी साथियों के साथ पहुंचकर माननीय राज्यपाल महोदय के नाम तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। केंद्र और राज्य सरकार के पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर मुनाफा कमाने में लगी। इस मूल वृद्धि के अतिरिक्त अन्य सभी तरह की महंगाई और अपराध मजदूरों ने क्षेत्र लोगों की रोजगार भी समाप्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से पिछले 15 दिनों से पेट्रोल के दामों में 9.26 रुपये प्रति लीटर एवं डीजल के दामों में 9.11 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी की गई है। जून में पेट्रोल का रुपये 77.56 एवं डीजल 68.27 रुपये तथा 22 की पेट्रोल कीमत 87.16 डीजल 71.33 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जो मध्यप्रदेश की जनता तो किसानों के हित में नहीं है। इस प्रकार 22 दिन में पेट्रोल 9.7 रुपये तथा डीजल 10.60 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इस बढ़ोतरी द्वारा इस समय की गई है, इस हमारा प्रदेश करोड़ों महामारी से जूझ रहा है, जबकि जनता केंद्र प्रदेश सरकार की मदद से उम्मीद कर रही है। हम समस्त कांग्रेस द्वारा प्रदर्श के द्वारा हम मास्क लगाकर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। हम सभी कांग्रेसजन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देश अनुसार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेहतर वृद्धि की ओर घोर निंदा करते हैं एवं केंद्र सरकार के जनविरोधी निर्णय का विरोध करते हैं। राजेश उपाध्याय ब्लॉक कांग्रेस।